Hello, welcome back to PTSST class, class 9. Today I'll start your remaining part of the chapter 1 that is related to the civics. And the name of the chapter is What is Democracy and Why Democracy? In the previous video lecture, we discussed what is democracy. Now today I am telling the define according to the Abraham Lincoln. Abraham Lincoln defined democracy, the government of the people, by the people and for the people. Question may be asked that how Abraham Lincoln defined democracy. It means that a democracy is a form of government by the people, for the people. Now, the second term that I have explained it, that the form of government. And it means that there may be direct democracy and indirect democracy. And the next topic that I have already discussed is one person, one vote and one value. आपको मैंने बताया था कि किस प्रकार से वन पर्सन कैन कास्ट ओनली वन वोट एंड दैट मस्ट हैव ओनली वन वैल्यू. एक पर्सन जो एक वोट देता है उसकी एक ही वैल्यू होगी. नाउ दिस पोर्शन आई हैव डिस्कस्ड एंड द अंटिल 2015 इन सऊदी अरेबिया. आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ सऊदी अरेबिया. इन सऊदी अरेबिया अप टू 2014 वीमन डोंट हैव एनी राइट टू वोट. 2014 तक औरतों को वहाँ पर वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन 2015 में उनको सऊदी अरेबिया में औरतों को भी वोट देने का अधिकार मिला. नाउ व्हाट यू अंडरस्टूड थ्रू दिस लाइन, इसका क्या मतलब है कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट थी वो कैसी थी, डेमोक्रेटिक थी या किस प्रकार की थी? डेमोक्रेटिक तो थी, लेकिन जो रूल्स थे वो अपने अनुसार वहाँ फॉलो होते थे. जैसे कि औरतों को वहाँ वोट देने का अधिकार नहीं दिया गया था, बाद में दिया गया था. तो किसी प्रकार से वहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी. रूल्स तो वही थे, वही रूल्स बनाते थे, गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग बनाते थे, लेकिन डेमोक्रेटिक जब हम उन रूल्स पर वर्क करते हैं तो वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है. नाउ सेकेंड टर्म दैट आई हैव स्टार्ट टुडे एस्टोनिया, दैट इज द कंट्री नियर द रसिया. आज हम जो एग्जाम्पल लेंगे वो एस्टोनेशिया का लेंगे, जो कि रसिया के नियर एक कंट्री है. एस्टोनेशिया में भी इस प्रकार की गवर्नमेंट है. जैसे एस्टोनेशिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच ए वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू रशियन माइनॉरिटी फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट. अब जो आपके एस्टोनेशिया में क्या है, जो रसिया से आए हुए लोग हैं उनको वोट देने का इक्वल राइट नहीं है. भाई एस्टोनेशिया के जो इंडिजीनियस पर्सन है, वहाँ के जो नेटिव पर्सन है, वो तो उनको तो पूरा अधिकार है वोट देने का, अच्छे से ज़्यादा अधिकार मिले हुए. जबकि जो रशियन पीपल है और जो वहाँ सेटल हो गए हैं एस्टोनेशिया में, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, उनको कम्प्लीटली वोट देने का अधिकार नहीं है. तो इस प्रकार से हमने देखा कि एस्टोनेशिया में भी डेमोक्रेटिक कंट्री, एस्टोनेशिया को भी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहा जा सकता है. तो इससे पहले हमने सऊदी अरेबिया का एग्जांपल लिया, फिर एस्टोनेशिया जो कि रसिया के नियर कंट्री है उसका एग्जांपल लिया. तो वहाँ पर आपका, इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कैसे पाकिस्तान में जो परवेज मुशर्रफ है वो एक मिलिट्री कूप से आए थे और वहाँ पर भी एक तरीके से डेमोक्रेसी नहीं थी. फिर हमने कौन सा एग्जाम्पल लिया था, चाइना का एग्जाम्पल लिया था. चाइना के बाद आपका मैंने मैक्सिको का एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पर पीआरआई पार्टी थी और जो चाइना में जो पार्टी थी वहाँ पर भी कैसी वन पार्टी गवर्नमेंट थी. जो चाइना में गवर्नमेंट थी वो कैसी थी, वन पार्टी गवर्नमेंट थी. तो अगर आपसे पूछा जाए विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज इन चाइना, तो वन पार्टी गवर्नमेंट. ऐसे ही मैक्सिको में भी वन पार्टी गवर्नमेंट थी. तो ये एग्जाम्पल्स जो हम लोगों ने लिए थे ये सब ये शो करते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं थी. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इन सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजी हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ इंडियन फिजियन. अब फिजी में भी बिल्कुल ऐसे जैसे एस्टोनेशिया में था, वहाँ पर जो रशियन पीपल थे उनको वोट देने का जो अधिकार था वो नहीं मिला था या कम था. जो एस्टोनेशिया के पर्सन थे उनको ज़्यादा था और जो फिजी के पर्सन थे उनको वोट देने का अधिकार कम था. और इसी तरीके से फिजी में भी जो
डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, वहां भी प्रजातांत्रिक सरकार नहीं है. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वी विल डिस्कस रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट. नाउ इन दिस हेडिंग वी विल डिस्कस हाउ रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर, किस प्रकार से जो लॉ है वो कैसा, जो रूल है वो कैसा होना चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ना कि रूल के अकॉर्डिंग लॉ होने चाहिए. कैसे होने चाहिए, लॉ के अकॉर्डिंग, जो लॉ बने हुए हैं, जो नियम बने हुए हैं उनके अकॉर्डिंग रूल होना चाहिए. ये नहीं कि जो रूल कर रहा है, जो रूलिंग पावर है वो अपने अनुसार लॉ बनाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होना चाहिए, जो लॉ पहले से बने हुए हैं उनके अनुसार रूलर को वर्क करना पड़ता है, तभी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाती है. नाउ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट, रेस्पेक्ट फॉर द राइट्स, इट मीन्स दैट जो हमें राइट मिले हुए हैं उनके प्रति सबको रेस्पेक्ट करना चाहिए. जो राइट्स अधिकार में मिले हुए हैं उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए. सो दिस हेडिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. सो स्टॉप हियर नाउ.